हाय दोस्तों, तो आज से जो है हमारा गिट एंड गिटहब का पूरा पूरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है ना। और इसी वीक जो है हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस कोर्स में मैं ज़्यादा दो से तीन या फिर मैक्सिमम चार वीडियोस ही रखूँगा। और इन्हीं वीडियोस में आप लोगों को अपने टर्मक से ही पूरा गिट एंड गिटहब का यूज़ करना सिखा दूंगा, है ना। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर फटाफट से जो है आज लेक्चर वन जो है हमारा इस कोर्स का, उसको स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि गिट और गिटहब होते क्या हैं। तो गिट और गिटहब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गिट हमारा क्या होता है पहले ही जानते हैं। तो गिट गाइस एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये हमारे कंप्यूटर में होने वाले सभी कोड का जो डेटा है वो सेव करके रखता है, सभी कोड का जो चेंजेस होते हैं वो अपने पास सेव करके रखता है। गिट हमारे कंप्यूटर में जो कोडिंग करते हैं हम लोग, उसके चेंजेस को स्नैपशॉट या फिर कमी के रूप में स्टोर करता है। अब मैं जानता हूँ आप लोगों को इससे गिट का मतलब समझ नहीं है, तो चलिए एक एग्जांपल के रूप में गिट को अच्छे से समझते हैं। और हाँ, गिट को समझना ज़रूरी भी है। आप एग्जाम्पल को समझने से पहले आप लोग जो है एक बार वर्जन को समझो। तो वर्जन क्या होते हैं? वर्जन सभी एप्लीकेशन का जो है एक वर्जन होता है, और सभी एप्लीकेशन का जो सबसे पहला वर्जन होता है वो 1.0 होता है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए फिर एग्जाम्पल के तौर पर, तो मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर का, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है ना। तो मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि सिंपल कैलकुलेशन कर सकेगा। अब उसको जो है मैंने लॉन्च कर दिया ताकि लोग उसको यूज़ कर सकते। तो उसका पहला वर्जन क्या है? उस कैलकुलेटर का 1.0, ठीक है। अब मैं उस कैलकुलेटर में कुछ अपडेट लाना चाहता हूँ, जैसे कि कोई बंदा उसमें कैलकुलेशन करे तो उसकी कैलकुलेशन हमेशा के लिए सेव हो जाए, ताकि उसे वो बाद में देख सके, है ना। तो अब मैंने ये उस कैलकुलेटर में दोबारा से चेंजेस करे और फिर इस कैलकुलेटर को दोबारा से रिलीज़ करते, तो अब ये मेरे कैलकुलेटर का कौन सा वर्जन हुआ? 1.1 हो गया या 1.01, ये हमारा नेक्स्ट वर्जन हो गया, है ना। अब मान लीजिए मेरा सेकंड वर्जन जो अपडेट है वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए जरा, क्योंकि मेरा पुराना जो कोड है मैंने उसी के अंदर तो चेंजेस करे थे जिससे मेरा नया अपडेट निकला। तो इसी केस में जो है हमारा गिट हमारे काम आता है। अगर मैंने अपने कंप्यूटर में उस टाइम पे गिट इंस्टॉल करा होता तो मेरे गिट ने जो है जो मेरा पहला वर्जन था ना कैलकुलेटर का, उसको अपने डेटा सर्वर में सेव कर लिया होता, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने अपने कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल कर रखा था और अब जनता को 1.01 वाला जो कैलकुलेटर वर्जन है वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं गिट के ऊपर जाऊँगा और गिट से बोलूँगा कि भाई जो मेरा 1.0 वाला जो पहला वर्जन था ना कैलकुलेटर का, वो वाला मुझे तुम दे दो अगर तुम्हारे डेटा सर्वर में सेव है। तो गिट कहेगा हाँ भाई, मैंने तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल था, अब मैं जो हूँ 1.0 वाले वर्जन को आपको दे देता हूँ। तो अब आप क्या करोगे? आप 1.0.1 वाला जो वर्जन था कैलकुलेटर का, जो नया वर्जन था, उसको आप हटा दोगे और जो पुराना वर्जन जो आप गिट से लिया जो आपने, उसको आप दोबारा से अपडेट रिलीज कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग गिट का यूज़ कर सकते हैं वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। चलिए गाइस, आप जानते हैं गिटहब के बारे में। तो गिटहब गाइस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखिए। गिट एक सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग अपने कंप्यूटर में या टर्मक्स में इंस्टॉल करते हैं, है ना। लेकिन गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है। तो गिटहब का यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं अपने कोड को शेयर करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। हम लोग अपने कंप्यूटर में जो भी कोडिंग करते हैं, जो भी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, हम लोग उस प्रोजेक्ट को इजीली अपने गिटहब वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद उस पूरे कोड को किसी और से शेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग जिस बंदे को वो कोड शेयर करते हैं, वो बंदा उस कोड में अपने चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक बार रिव्यू करके अपडेट कर सकते हैं। फिर समझ गया? तो गिटहब एक बेसिकली कोड शेयरिंग का प्लेटफॉर्म आप लोग कह सकते हो। चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि आप लोग जो ना इस मतलब हमें इस टर्मस में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, गिट एंड गिटहब की ज़रूरत हमें टर्मस में क्यों है। पर देखो, पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग फ्यूचर में ऐप डेवलपमेंट करोगे, वेब डेवलपमेंट करोगे, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एथिकल हैकिंग की लाइन में जाओगे, तो इन सब में कहना है कि आपको गिट एंड गिटहब की ज़रूरत 100% पड़ने ही वाली है। बिना गिट एंड गिटहब के आपको इन सभी लाइनों में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो आप लोगों को मैं इस टर्मस के कोर्स में इस तरीके से गिट एंड गिटहब सिखाऊंगा अपने फ़ोन से ही, कि वो सभी चीज़ें जो आप इस कोर्स में सीखोगे, वो सभी चीज़ें आपके लैपटॉप और पीसी में जब आप गिटहब एंड गिट यूज़ करोगे तो वो सेम चीज़ें काम आएंगी, है ना। तो कुछ भी डिफरेंट नहीं होना था, आप लोग यहाँ से कोर्स सीखोगे और सेम पीसी में ही इसी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हो अपने ही टर्मक्स के अंदर टूल बनाने की, गैस तो आप लोग अपने टर्मक्स से टूल बनाने के बाद उसको शेयर भी तो करोगे, ताकि आपके टूल को कोई दूसरे लोग यूज़ कर पाए, है ना। जैसे आप लोग दूसरे के टूल का यूज़ करते हो, तो वो सभी चीज़ें आप लोग जब भी कर पाओगे जब आपको गिट एंड गिटहब आता हो। उसके अलावा टूल बनाने में ही गिट एंड गिटहब की ज़रूरत आपको ज़रूर से पड़ेगी, अगर आप लोग अपने टर्मक्स से ही जो टूल बना रहे हो। गाइस, और गिटहब में और भी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको मैं धीरे धीरे आप लोगों को लेक्चर्स में बताऊंगा, है ना। चलिए, इसके अलावा हम एक एग्जांपल देखते हैं, कॉमन एग्जांपल, जो आप लोग मतलब आप लोग डेली अगर टर्मक्स यूज़र हो तो आप लोग गिट को यूज़ करते ही, है ना, शायद आप लोगों को पता ना हो। तो चलिए वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं और गिट को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपने टर्मक्स में जब भी किसी टूल को इंस्टॉल या डाउनलोड करते हो ना बनाते, तो उसमें गिट का यूज़ ज़रूर से करते ही हो, क्योंकि कोई बंदा जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई टूल बनाता है ना, तो उसको गिटहब पर ही स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, गिटहब एक ऑनलाइन कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो अपना कोड सिंपली गिटहब पर डाल देता है। फिर आप लोग गिट क्लोन कमांड का यूज़ करके उस टूल को गिटहब की वेबसाइट से अपने टर्मक्स में डाउनलोड कर लेते हो। तो देख लो, यहाँ पे आप लोग गिटहब का यूज़ रोज़ कर रहे हो, और आपको बता दिए, और पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए अब फटाफट से जो है हम लोग चलते हैं गिट के इंस्टॉलेशन के ऊपर, अपने टर्मक्स में हम लोग गिट को इंस्टॉल कैसे करें और बेसिक चीज़ें जानते हैं, है ना। तो
गाइस चलिए हम लोग अपने टर्म्स में जो है गिट को इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए ये रहा मेरा टर्म्स, ठीक है, तो उसको फटाफट से मैं ओपन करता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग अपने टर्म्स को मतलब आप लोग ने टर्म्स को पहली बार इंस्टॉल करा तो उसको अपडेट एंड अपग्रेड कर लें, ठीक है। तो वो कैसे करना है आपको, आपको सिंपली यहाँ पे पैकेज और अपडेट टाइप करना है सबसे पहले, ठीक है, और फिर करना है एंटर। तो गाइस ये तरीका मैं इसलिए बताता हूँ लोगों को अपडेट एंड अपग्रेड करने का, क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। शॉर्टकट तरीका भी होता है लेकिन उसमें क्या है एरर होने के चांसेस होते हैं। तो देखिए मेरा अपडेट जो है काफ़ी जल्दी होगा क्योंकि मैंने इसको पहले से ही कर रखा था। आप लोग इंटरनेट चालू रखना थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है पैकेज अपग्रेड और फिर कर देना एंटर। यहाँ पे भी इंटरनेट चालू रखना, ये भी मैंने कर रखा तो मेरे में तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम लोग जो है गिट को इंस्टॉल करते हैं। तो गिट क्या है, हमारा एक पैकेज है, तो उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, पैकेज इंस्टॉल गिट। कैसे हम लोग अपने टर्म्स में इस तरीके से काम करते हैं, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करना होता है तो सिंपली आप लोग लिखते हैं पैकेज इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नेम। तो यहाँ पे मैं गिट इंस्टॉल करना है तो मैंने इस तरीके से लिखा और फिर मैं कर दूँगा एंटर। अब आप लोग अपना इंटरनेट चालू रखना, तो मेरे में ये गिट जो है पहले से इंस्टॉल था तो यहाँ पे ये जो है टाइम नहीं लिया, है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि आप लोग में गिट इंस्टॉल नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हो गिट स्पेस हाइफन और वी, ठीक है, ऑफ ही कर दोगे एंटर। तो यहाँ पे ये गिट का वर्जन आप लोगों के सामने ले आता है ना। देखिए यहाँ पे मेरा वर्जन है 2.4.1.0, है ना, तो ये भी इसका वर्जन है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली गिट को इंस्टॉल कर सकते हो। हमारा गिट जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जो है बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, हम काफ़ी मज़ा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे, है ना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय।